हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मिठाई, वो भी कम मेहनत कम खर्च में, दिखने में सुंदर और खाने में टेस्टी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में एक कटोरी दूध डालेंगे। सारा मेजरमेंट मैंने इसी कटोरी से लिया है, तो आप भी अपने घर में से कोई कटोरी या कप सेट कर लीजिए। अब हम इसमें आधी कटोरी चीनी डालेंगे और लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। थोड़ी ही देर में देखिए दूध में उबाल आ गया है। तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें एक कटोरी नारियल का बूरा डालेंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर में ये गाढ़ा होने लगा है। तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे और इसे थोड़ा और पकाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर में ये डो के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसमें 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप काजू को पीसकर उसका पाउडर भी डाल सकते हो। तो ये हमारा डो बन करके तैयार है। देखिए अच्छे से गोली बन रही है, इसका मतलब हमारा डो परफेक्ट है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और कढ़ाई को नीचे रखेंगे ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर में हमारा मावा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें से थोड़ा मावा लेंगे और इसे गोल गोल घुमाकर पेड़े का शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा पेड़ा बनकर के तैयार है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। अब हम इसके ऊपर सूखा नारियल का बूरा लगा देंगे तो ये और भी अच्छा दिखेगा। इसी तरह से मैं एक और बनाकर बताती हूँ। तो देखिए इसके ऊपर भी सूखा नारियल लगा देंगे तो ये हमारा सारा पेड़ा बनकर के तैयार है। अब हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी लगा देंगे। तो ये हमारी टेस्टी मिठाई बनकर के तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।